डिप्लोमा किया है, डॉक्टर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस पढ़ाने का और प्रशासन का 40 साल का अनुभव है उन्हें, और प्राकृतिक चिकित्सा और प्राकृतिक खेती के प्रकांड विद्वान है, वैदिक मानवीय मूलों और वैदिक दर्शन के अध्येता भी हैं, योगिक आयुर्वेद यज्ञ प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति का प्रशिक्षण प्रचार प्रसार करते हैं। मैं संक्षेप में अगर कहूं तो सचमुच में वो अद्भुत है जो भारत में प्राकृतिक खेती, जीरो बजट की खेती को बढ़ावा देने के काम में भी एक पूरे समर्पित भाव से लगे हुए हैं और आज हमारे बीच में पधारे हुए हैं। ऐसे गुजरात के माननीय राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, उनका मैं मध्य प्रदेश की जनता की तरफ से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारत सरकार के किसान और कृषि कल्याण मंत्री, मध्य प्रदेश के गौरव, जो प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र में दिनों रात परिश्रम कर रहे हैं, आदरणीय श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, उनका वर्चुअली जुड़े हुए हैं, हम हृदय से स्वागत करते हैं। हमारे नगरीय विकास मंत्री, भोपाल के प्रभारी वरिष्ठ नेता भाई भूपेंद्र सिंह जी ठाकुर, और हमारे कृषि मंत्री जो हमेशा किसानों के लिए ऊर्जा से भरे रह के दिनों रात काम करते हैं, आदरणीय कमल पटेल जी, कृषि विभाग के सारे हमारे अधिकारी यहां उपस्थित हैं, और केवल यहां उपस्थित नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर जिला मुख्यालयों से, सभी मंडियों से, फिर एनआईसी जो वीसी रूम है जिला स्तरीय, उससे जिला मुख्यालयों पर लगभग 1,500, कृषि मंडियों में 150, कृषि और उद्यान की महाविद्यालयों में 75, कृषि विज्ञान केंद्रों में 80, कृषि प्रशिक्षण केंद्रों में 80, विकासखंड मुख्यालयों में जो सूचना केंद्र वहां से 60-60, किसान उत्पादक संगठन के मुख्यालयों से 40-40, और ग्राम पंचायत, शासकीय कृषि प्रक्षेत्र, सामुदायिक भवन आदि से 20-20 कृषक, ऐसे कुल मिला के 1,65,840 रजिस्टर किसान आज इस कार्यक्रम से आप देख रहे हैं हर स्थान से जुड़े हुए हैं। मैं उन सबका हृदय से स्वागत करता हूं, और 9.5 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया इस कार्यक्रम को कार्यशाला में भाग लेने के लिए, तो वो अपने घरों में भी, चूंकि डायरेक्ट टेलीकास्ट ये कार्यक्रम हो रहा है, वो सुन रहे हैं। ये मात्र एक कर्मकांड नहीं है मेरे मित्रों, मध्य प्रदेश की कृषि की दशा और दिशा बदलने का महायज्ञ है। इस महायज्ञ में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र हमारा, 5,000 साल से ज्यादा तो ज्ञात इतिहास है हमारा, आज नहीं हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने कहा, अयम निजम परावेत्ति गणना लघु चेतसा मुदार चेता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम, ये मेरा ये तेरा ये सोच छोटे दिल वालों का होता है, जो उदार हृदय के होते वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। बचपन से हमने गांव में हमें सिखाया गया कि बोलो धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, केवल मनुष्य मात्र में नहीं प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। कल्याण किसका हो? विश्व का कल्याण। और हमारे ऋषियों ने यह भी गाया, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो और सबका कल्याण हो। और सबके केवल निरोग होने की बात अगर मैं कहूं तो माननीय तोमर जी ने यह बात सही कही, एक जमाना था तब केमिकल रासायनिक जो हमारी खाद थे उनके उपयोग की आवश्यकता थी, और मैं ये मानता हूं कि उत्पादन बढ़ाने में केमिकल फर्टिलाइजर ने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह की, लेकिन आज उसके दुष्परिणाम जब हम देखते हैं तो सचमुच में कई बार तो कांप जाते हैं।
हम धीरे धीरे किस दिशा में बढ़ रहे हैं। धरती धीरे धीरे केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग के कारण बंजर होती जा रही है, हर साल और ज्यादा खाद, और ज्यादा खाद, फिर और ज्यादा कीटनाशक, फिर और ज्यादा पानी, फिर और ज्यादा लागत। मेरे प्रिय किसान भाइयों, यह बात सच है कि फसल आती है तो हम सारे रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, लेकिन जरा खर्चे का हिसाब लगा के तो देखो, जैसे जैसे बैंकों का चुकाना पड़ता है, इतना खाद का दो, इतना पानी का दो, इतना कीटनाशक का दो, तो पता चला सारा पैसा जितना आया लगभग कर्जा चुकाने में ही निकल जाता है। उत्पादन खूब होता है लेकिन खर्चा कितना बढ़ा है। एक बढ़ता हुआ खर्च, दूसरे उसके कारण केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग के कारण विषैले होते हुए हमारे अन्न। अभी कमल जी कह रहे कैंसर एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें चलती है। आज हम गंभीरता से सोचे कि हम किस दिशा में अपनी खेती को ले जा रहे हैं। अभी कई बार हम गोरक्षा की बात करते हैं, नरेंद्र सिंह जी कह रहे थे, होशंगाबाद से भी, नर्मदा नगर से सारे किसान जुड़े हुए हैं। मैं एक दिन कार्यक्रम में हेलीकॉप्टर से गया तो मैंने देखा खेतों में आग लगी थी, नरवाई में आग लगी थी। अब मुझे कहा किसी ने कि गौ माता की रक्षा करो। मैंने सभा में ही कहा कि पुराने समय में गौ माताओं के लिए हम जमीन रखते थे गोचर, वो सारी जमीन तोड़ के हमने खेत बना दिए, पेड़ हमने खत्म कर दिए, पूरी जमीन हम जोतते हैं और इसके बाद फसल आती है तो पहले दावन करते थे, फिर थ्रेसर पे आगे तब भी भूसा मिल जाता है, और अब तो हार्वेस्टर चला के सीधे खेतों में आग लगा देते हैं। तो हम तो भूसा तक नहीं बचाते अपनी गौ माता के लिए, और मुख्यमंत्री से कहते तुम गौ बचाओ। मैं कहां से गौ बचाऊं, मुझे बताओ। हम किस दिशा में जा रहे हैं, हमें सोचना पड़ेगा। मैं बहुत विस्तार में आज नहीं जाऊंगा क्योंकि आचार्य देवव्रत जी आए हुए हैं प्राकृतिक खेती। इन सब का उपाय क्या है, एक शब्द में कहूं तो प्राकृतिक खेती। हम जैविक खेतियां कर रहे हैं इसमें कोई दो मत नहीं। कई जैविक जिले हमसे जुड़े हुए हैं, मंडला, डिंडौरी, राज्य, अधिकांश किसान आज भी जैविक खेती करते हैं, प्राकृतिक नहीं जैविक खेती करते हैं। वो केमिकल फर्टिलाइजर का या तो उपयोग नहीं करते हैं, बहुत कम उपयोग करते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा रकबा है आज जैविक खेती का, अग्रणी राज्य है हम। लेकिन मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व देखो तो एक ऐसे प्रधानमंत्री जिनके मन में लल्ला के तड़फ है देश को आगे बढ़ाने की, वो तो है ही। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत के निर्माण में वो लगे। लेकिन केवल उतना ही नहीं कर रहे, वो केवल वैश्विक नेता नहीं है, वो हर तरफ चिंता कर रहे हैं। उन्होंने कहा प्रकृति का शोषण मत करो, दोहन करो, ये केमिकल फर्टिलाइजर बर्बाद कर देगा हमारी धरती माता को, और इस धरती माता को आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचा के रखना कि नहीं रखना। क्या हम इतने स्वार्थी हो जाएंगे कि जितना चाहो आज निकाल लो खाद डाल के, आने वाली पीढ़ियां क्या करेगी? कभी हमने सोचा है क्या, क्या उनके रहने के लायक ये धरती बचेगी? हमको आज गहराई से सोचना पड़ेगा कि हम धरती मैया के स्वास्थ्य की रक्षा करें। मित्र कीट भी हमने सब मार डाले, कीटनाशक डाल डाल के सब साफ कर दिए, कुछ जला के मार डालते हैं, कुछ कीटनाशक डाल डाल के मार डालते हैं, तो होगा क्या धरती मैया के, ये तो सोचो। और जब हम विश्व का कल्याण कहते हैं तो क्या जीव जंतुओं की धरती नहीं है, पशु पक्षियों की धरती नहीं है? हमारी नदियों के क्या हाल हमने कर दिए? अब ये केमिकल फर्टिलाइजर की खेती में पांच पानी और धरती का पेट फाड़ फाड़ कर निकाल लो पूरा पानी। पानी जमीन में 1000 फीट 1500 फीट नीचे चला गया। अभी हमने जलाभिषेक अभियान प्रारंभ किया प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे, पानी रोको, गांव का गांव में, खेत का खेत में जल संरचनाएं बनाओ। अब हम जितना निकाल रहे उतना डालेंगे नहीं धरती मां के पेट में, तो हालत क्या होगी आप कल्पना कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको गंभीरता बता रहा हूं, इसका उपाय है और उस उपाय पर हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी बहुत जोर दे रहे हैं। सचमुच में लगातार वो आग्रह कर रहे हैं किसानों से प्राकृतिक खेती के लिए, और प्राकृतिक खेती के देश के सबसे बड़े विशेषज्ञ अगर कोई है
तो आचार्य देवव्रत जी आज हमारे बीच में गए। और इसलिए मेरे प्रिय किसान भाइयों, ये कर्मकांड आज का कार्यक्रम नहीं है। शाम को 5 बजे तक कार्यशाला चलेगी, दोपहर के बाद भी 2:45 बजे से फिर अलग अलग सत्र रखे गए जिसमें विषय वस्तु विशेषज्ञ बुलाए गए जो आपको अलग अलग विषयों पर आपसे चर्चा करेंगे। उत्पाद के विपणन की व्यवस्था जो हम पैदा करते हैं, जैविक ये प्राकृतिक विपणन, प्रमाणीकरण और निर्यात की संभावना, आज पूरी दुनिया मुझे कहते हुए खुशी है कि मध्य प्रदेश का गेहूं आज पूरी दुनिया में भेजने की हम कोशिश कर रहे हैं। किसान सोने जैसे दाने, फलाना आटा ढिमका आटा, वो दाने कौन के? अपने मध्य प्रदेश के। लेकिन वो सरबती खत्म ना हो जाए, वो कछिया गेहूं खत्म ना हो जाए, लोग वन खत्म ना हो जाए, ये कम पानी में होने वाली फसलें अपनी परंपरागत फसलें, तो उस पर भी यहां चर्चा होगी, निर्यात की संभावनाओं पर चर्चा होगी। फिर हमारे प्राकृतिक क्षेत्र में जो कार्यरत संस्था और कंपनियां उनके प्रतिनिधियों के बीच चर्चा होगी। फिर प्रगतिशील किसान, मुझे कहते हुए खुशी है हमारे दोनों महामहिम गवर्नर यहां बैठे हैं, मध्य प्रदेश में हजारों किसान आज भी प्राकृतिक खेती में जी जान से कोशिश कर रहे हैं और आज वो सब इकट्ठे हैं आपको सुनने के लिए आए हुए, तो उनके भी अनुभव हम सुनेंगे, उनके अनुभव भी सुनेंगे। तो शाम के 5 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। मैं तो प्रारंभिक रूप से विषय की गंभीरता से आपको मैंने परिचय कराया, अब हम सब आदर सहित सुनेंगे। और ये सुनेंगे मतलब भाषण नहीं है, देखो हम चाहते तो एक बड़ी सभा कर देते, 2 लाख लोग एक ही जगह इकट्ठे हो जाते, लेकिन उससे हमारा मकसद पूरा नहीं होता। इसलिए हमने तय किया अलग अलग जगह बैठे, कम संख्या में आरामदायक स्थिति में बैठे और पूरा ध्यान लगाए आचार्य देवव्रत जी की तरफ के वो क्या क्या कह रहे हैं। जीवामृत, बीजामृत, कैसे प्राकृतिक खेती में हम ज्यादा फायदा हो, हम फायदा भी ज्यादा उठा सकते हैं, लाभ का धंधा बना सकते हैं, किसानों की आय दुगनी कर सकते हैं, वो कला और विज्ञान आज आचार्य देवव्रत जी और हमारे महामहिम राज्यपाल मंगू भाई पटेल जी हमको बताएंगे। इसलिए एक बार फिर आप सबका मैं हृदय से स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। पूरे ध्यान से इतनी मेरी प्रार्थना है भैया, शरीर के साथ साथ मन भी यहां रखना, नहीं शरीर तो यहां है और मन खेत की नरवाई चली कि नहीं चली उसमें लगाओ तो समझ में नहीं आएगा। तो शरीर भी यहां रहे, मन भी यहां रहे, बुद्धि भी यहां रहे और आत्मा भी यहां रहे, तो मुझे मेरा दावा है कि प्राकृतिक खेती के गुण सीख के आप जाओगे और आने वाले वर्षों में मध्य प्रदेश देश का नेतृत्व तो प्राकृतिक खेती में करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान। जैसा कि उन्होंने कहा कि आज का यह अवसर एक महायज्ञ में अपनी ओर से संविदा डालने का अवसर है और हम सबका सौभाग्य है कि इस महायज्ञ में, इस महाकुंभ में अपने इस विचार की संविदा डालने के लिए हमारे आग्रह पर गुजरात के माननीय राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी उपस्थित हैं। प्राकृतिक कृषि पर उनका गहन विशद अध्ययन है और एक पुस्तक भी उन्होंने इस अवसर पर हम सबके लिए सौगात के रूप में प्रस्तुत की है। मैं बहुत ही सम्मान के साथ आदरणीय राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी को आप सबके बीच आमंत्रित करता हूं, वे आए और हम सबका मार्गदर्शन इस अवसर पर करें। अक्षैर्मा दिव्य कृषिमित कृषस्व माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, ओम शांति शांति शांति। हमारे बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश के आदरणीय राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल जी और इस प्रदेश के बहुत ही यशस्वी कर्मठ जुझारू नेता आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश और हमारे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री
जो दिल्ली से वर्चुअल हमसे जुड़े हुए हैं,